नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 2019 के लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण कल 19 तारीख को समाप्त हो गया और इसके साथ ही 17वीं लोकसभा चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो भी समाप्त हो गई। ये पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही, जैसे ही 6 बजे के बाद वोटिंग समाप्त हुआ, 7 बजे से कई चैनलों में पोलिंग एग्जिट पोल जो है वो दिखाना शुरू कर दिया। ये एग्जिट पोल कितने विश्वसनीय है, ये कैसे बनाए जाते हैं, इस पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं और साथ में ही पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। इस सारी प्रक्रिया पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी है और हम उनसे बात करेंगे कि एग्जिट पोल पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है और एग्जिट पोल कितने विश्वसनीय होते हैं, और साथ में ही ईवीएम पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर भी, उसको लेकर भी हम उनसे बात करेंगे। मेश्राम जी, सबसे पहले एमएनटीवी पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि सभी न्यूज चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिया है, हर चरण के बाद उन्होंने एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी पूरा चुनाव की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है और ऐसे में सभी न्यूज चैनल ने, हिंदी हो या अंग्रेजी न्यूज चैनल हो, उन्होंने बीजेपी को यानी एनडीए जो गठबंधन है उनको 300 से ज्यादा सीटें जो है दिखाना शुरू कर दिया है। और तो ये सारा जो एग्जिट पोल है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि उसमें बीजेपी के अकेले, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 240 से 270 तक सीटें दिखाई जा रही है, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी अकेले बीजेपी को 280 से ऊपर सीटें मिली थी। तो ये सारे जो एग्जिट पोल है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? दो तीन अहम बातें हैं। मैं पिछले कई चुनावों से ये ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं कि मीडिया के द्वारा ईवीएम में जो घोटाला किया जाता है उस घोटाले पर जनता की प्रतिक्रिया निगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले से ही वो लोगों का ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश में लग जाते हैं। जो चैनल है आजकल किस तरह से उनको मैनेज करके ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ये बहुतांश लोगों को जो समझदार है उन लोगों को पता है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग और ज्यादातर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी सरकार होती है उनके पास बहुत सारी सुविधाएं होती है, जिस सुविधाओं का फायदा वो मीडिया के लोगों को देते हैं उसके आधार पर ये मैनेजमेंट करना संभव है और मैनेजमेंट किया जाता है। इतना ही नहीं, अंतर्गत सर्कल में ये भी चर्चा की जाती है कि ये जो एग्जिट पोल है करने वाली जो एजेंसियां है उनको वही लोग जो चाहते हैं, जो उनका अपना इंटरनल प्लान होता है खासतौर पर ईवीएम को इस्तेमाल करने का, तो उस पर जनता की प्रतिक्रिया निगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसके लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए एग्जिट पोल के रिजल्ट तैयार किए जाते हैं और तैयार करके बताए जाते हैं। ये जो एग्जिट पोल के रिजल्ट अभी कल दिखाए गए हैं और आज के अखबार में आए हैं, उसको देखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद भी यही लगता है कि ये 23 तारीख को ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीतने की जो परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मीडिया के लोग ऐसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो अनुकूल माहौल बनाने के लिए, ताकि कल अगर ईवीएम का रिजल्ट आता है तो लोगों की मानसिकता पहले से ही निर्धारित की जाती है या कर दी जाती है, जिसके आधार पर वो उसमें निगेटिव प्रतिक्रिया ना करे। इसलिए ये जो एग्जिट पोल के रिजल्ट है, ये एग्जिट पोल के रिजल्ट, ये ईवीएम में जो घोटाला होता है उस पर पर्दा डालने के लिए ये सारी कार्रवाइयां की जा रही है,
ऐसा मैं किस आधार पर बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं जिनको तथ्य मालूम नहीं है। क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और पेपर ट्रेल की मशीनों की लड़ाई लड़ चुका हूं, इसलिए मेरे पास डाटा अवेलेबल है, इविडेंसेस अवेलेबल है। मैं इविडेंस के आधार पर बात कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसा बीजेपी को इसका फायदा होता है, तो हम तो ऐसा नहीं कह रहे कि बीजेपी को केवल फायदा होता है। 2004 में कांग्रेस को फायदा हुआ, 2009 में कांग्रेस को फायदा हुआ, 2014 को बीजेपी को फायदा हुआ, और मैं पहले से कई समय से बोल रहा हूं 2019 में बीजेपी को फायदा होगा। चुनाव के पहले भी बोला, चुनाव के बाद अभी पूरा प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, रिजल्ट आना बाकी है। मेरा अभी भी कहना है और मैंने कई जगह ये बात कही है कि 2019 का चुनाव बीजेपी जीतेगी, बीजेपी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव अगर देश में होता है तो चुनाव जीत नहीं सकती। ईवीएम में घोटाला करके ये चुनाव जीता जा सकता है, ये मेरा मानना है। और मैं ये बात फैक्ट के आधार पर कह रहा हूं, अनुमान के आधार पर नहीं कह रहा हूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर पिछले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी पांचों जगह हार गई, तो फिर तो उनको पांचों जगह जीतना चाहिए था। तो ऐसा बोलने वाले लोग, एक तो वो भोले शंकर लोग हैं, उनको कोई ज्यादा जानकारी है नहीं है, भोले भोले लोग हैं। एक तो उनके पास कोई डाटा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, भोले भोले लोग हैं। और पॉलिटिकल पार्टी के लोग वो जो कह रहे हैं वही बातें वो भी कह रहे हैं। जो लोग हेराफेरी करने का काम कर रहे हैं और वो बयान दे रहे हैं, वो बयान पढ़कर दूसरे लोग भी ये बोल रहे हैं। और जो ऐसा बोल रहे हैं उनके पास इसके संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, कोई डाटा नहीं है। मेरे पास में ईवीएम मशीन से संबंधित डाटा है, मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट में मैं ईवीएम मशीन में कमियां खामियां कमजोरियां है वो दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 8 अक्टूबर 2013 का। वो ईवीएम में कमियां खामियां है, कमजोरियां है, इस बात को स्वीकार करते हुए दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है तो दूसरे लोगों को इस पर सवाल उठाने का कोई मामला नहीं है। 21 विपक्षी दलों ने भी ईवीएम को लेकर, हाँ वो एक अलग मामला है, मैं जो कहना चाहता हूं। दूसरी बात और है कि ईवीएम मशीन में कमियां खामियां कमजोरियां क्या है। पहली है कि ईवीएम मशीन पारदर्शी नहीं है। पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद भी ईवीएम मशीन पारदर्शी नहीं है। पेपर ट्रेल मशीन पारदर्शी है, ईवीएम नहीं है, पहली बात। जो ईवीएम मशीन पारदर्शी नहीं है उसी की गिनती होती है, पेपर ट्रेल मशीन पारदर्शी है उसकी गिनती नहीं होती है। ये बात जो भी मैं बोल रहा हूं और जिसको वो सुनने वाले लोग हैं उनको ये बात समझना है, दो चीजों का फर्क। दूसरी बात, पारदर्शी ना होने की वजह से आपने जिसको वोट दिया वो केवल पेपर ट्रेल मशीन में दिखाई देता है, ईवीएम मशीन में आज भी दिखाई नहीं देता। तो इसलिए पेपर ट्रेल मशीन में जो वोट आप जिसको दे रहे हो वो आंखों से आपको दिखाई देता है, मगर ईवीएम मशीन में जाकर वो दूसरे के नाम पर जमा होता है। और दूसरे के नाम पर जमा होता है इसका मेरे पास में एविडेंस है, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मुझे लिख कर दिया, ये डाटा मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। मैं एविडेंस के आधार पर बात कर रहा हूं, अनुमान के आधार पर नहीं। दो चीजें हैं सत्य तक पहुंचने के, एक है अनुमान, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर बोल रहा हूं। सत्य तक पहुंचने के लिए अनुमान भी एक रास्ता है, मगर अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मगर फैक्ट फैक्ट ही है, एक ही होता है वो। मैं फैक्ट के आधार पर बात कर रहा हूं, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास चुनाव आयोग के अधिकारियों का डाटा है, वो डाटा मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है,
और उस डाटा को स्वीकार करते हुए 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया है। उसके आधार पर बात कर रहा हूं, काल्पनिक आधार पर नहीं या अनुमान के आधार पर नहीं बात कर रहा हूं, इसको समझना जरूरी है। दूसरी अहम और बात, अगर ईवीएम मशीन वास्तव में परिपूर्ण थी, वास्तव में सत्य मशीन थी, पारदर्शी थी, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश क्यों दिया? उन कमियों को स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट ने, उस कमियों की भरपाई करने के लिए पेपर ट्रेल मशीन दे दिया। ये आदेश इस बात का एविडेंस है। दूसरी बात, तीसरी बात, यही वजह है कि इंडियन मीडिया ने, भारत की मीडिया ने आज तक 8 अक्टूबर 2013 की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के विरोध में फैसला दिया, एक खबर आज तक नहीं छापी, मैं दावे के साथ कहता हूं। और मैं आने वाले समय में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इसकी कंप्लेन कर रहा हूं, और जितने भी बड़े अखबार है वो बड़े अखबारों को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नोटिस इश्यू करके पूछे कि क्या 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ निर्णय 9 अक्टूबर के आपके चैनल में या आपके अखबार में आपने छापा, कोई एविडेंस बता सकता है मीडिया? और अगर नहीं बता सकता है तो भारत की मतदाताओं से मीडिया ने इतनी बड़ी खबर 130 करोड़ जनसंख्या के लोकतंत्र के संबंध में, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के संबंध में दिया हुआ आदेश की खबर, राष्ट्रहित की खबर, लोकतंत्र के हित की खबर, संविधान को बचाने की खबर, इस खबर को क्यों नहीं छापा, क्यों नहीं दिखाए? ये दूसरा बड़ा एविडेंस है कि ईवीएम में कमियां खामियां कमजोरियां है। और अगर वो खबर उन्होंने छापा होता तो भारत के तमाम मतदाताओं के मन में आज जो आशंका है वो आशंका नहीं रहती है, और लोगों को मालूम हो जाता कि ईवीएम में कमियां खामियां कमजोरियां है। पहली कमी के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरी कमी क्या है? ये पहली कमी जो है जिसके आधार पर ईवीएम में घोटाला किया जा सकता है, पारदर्शिता नहीं है। जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने केवल पारदर्शिता के आधार पर ईवीएम मशीन को रद्द कर दिया, और पारदर्शिता इसमें नहीं है, ये भी रद्द किया जाना चाहिए था। तो जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वाभाविक रूप से पारदर्शिता नहीं है इस बात को स्वीकार करने के बाद पेपर ट्रेल मशीन लगाई। और जजमेंट देने के लिए, ईवीएम मशीन के फेवर में जजमेंट देने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया, लगाने के बाद जजमेंट दिया, पहले नहीं दिया। ईवीएम मशीन लगाई जा सकती है मगर पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद ही लगाई जा सकती है, तभी ही ये पारदर्शी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है, क्लियर है। दूसरी बात, ईवीएम मशीन में तब भी कमजोरी थी, आज भी है, कमियां है, खामियां है, वो दूसरी क्या है कि पेपर ट्रेल मशीन से फिजिकल वेरिफिकेशन, ऑटो का फिजिकल वेरिफिकेशन पेपर ट्रेल मशीन में होता है, ईवीएम मशीन में आज भी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होता है, उसके पास ईवीएम मशीन के पास फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है। अगर भविष्य में चुनाव होने के बाद अगर वोटों का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो फिजिकल वेरिफिकेशन ईवीएम मशीन में नहीं होता है। जिस ईवीएम मशीन में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है इसके आधार पर कहा जा सकता है कि ईवीएम में घोटाला करवाया जा सकता है, एक पारदर्शिता ना होने से घोटाला करवाया जा सकता है, एक फिजिकल वेरिफिकेशन ना होने की वजह से घोटाला करवाया जा सकता है, ये दूसरी कमी है। पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद भी कमी है। तीसरी कमी, ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता। फिजिकल वेरिफिकेशन के बगैर, वोटो का फिजिकल वेरिफिकेशन के बगैर रिकाउंटिंग नहीं हो सकता, और रिकाउंटिंग नहीं हो सकता ये तीसरा कारण है जिसके आधार पर घोटाला किया जा सकता है। ये तीन खामियां, कमियां, कमजोरियां ईवीएम मशीन में थी, ये कमियां, खामियां, कमजोरियां डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को बताई,
सुप्रीम कोर्ट ने इस कमियां खामियां कमजोरी को स्वीकार किया। स्वीकार किया इस बात का सबूत यह है कि उन्होंने पेपर ट्रेल मशीन लगाया, पेपर ट्रेल मशीन से ये तीन कमियां खामियां निकाली गई। इसका एविडेंस पेपर ट्रेल मशीन के अधीन है, अंदर है। ये तीनों कमियां पेपर ट्रेल मशीन से पेपर ट्रेल मशीन में निकाली गई है। ईवीएम मशीन में अभी भी वो कमियां खामियां कमजोरियां है और चुनाव आयोग अभी भी केवल ईवीएम मशीन की ही गिनती करती है। जिन मशीन में कमियां खामियां कमजोरियां है उसी की गिनती करती है। और इन केस ऑफ डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया मैनुअल काउंटिंग का, वो मैनुअल काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 56C, 56D और 49MA के आधार पर पाबंदी लगाई। ये लिखित रूल मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले रूल है, तो चुनाव आयोग को पहल करना चाहिए था फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए, मगर चुनाव आयोग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने का 8 अक्टूबर 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके विरोध में उन्होंने तीन रूल बनाए और तीन रूल बनाकर चुनाव आयोग सक्रिय रूप से घोटाला करने के काम में सहभागी हो गया। इसके आधार पर कह रहा हूं कि ईवीएम मशीन की ही गिनती का आग्रह चुनाव आयोग क्यों कर रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया तो चुनाव आयोग को पेपर ट्रेल मशीन की गिनती करनी चाहिए थी। चुनाव आयोग का क्या कहना है, क्यों गिनती नहीं कर रहा है वो चुनाव आयोग पेपर ट्रेल मशीन की? उसके दो कारण वो देता है। नंबर एक कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर कागज का उपयोग करना पड़ेगा, कागज का उपयोग करने के लिए बहुत सारे झाड़ काटने पड़ेंगे, झाड़ काटने की वजह से पर्यावरण का नुकसान होगा और पर्यावरण का नुकसान ना हो इसके लिए हम कागज लगाने के विरोध में, ये कारण दिया। ये मेरे पास लिखित दिया है, मैं काल्पनिक बोल नहीं रहा हूं। वो पारदर्शिता से चुनाव करना चाहिए, ये संविधान निर्माताओं ने उनकी जिम्मेदारी लगाई, वो जिम्मेदारी पूरी करने का काम नहीं कर रहा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को पर्यावरण की चिंता है, जिसकी चिंता करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण की और अथॉरिटी है, पर्यावरण का काम संभालने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को नहीं लगाई गई है, उनको कानूनन कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई गई है, मगर चुनाव आयोग को पर्यावरण की चिंता है। जिस जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग को नहीं लगाई गई है वो जिम्मेदारी स्वतः होकर के वो अपनी जिम्मेदारी मान रहा है। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव की संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदारी लगाई वो काम, उसमें उसका उत्साह नहीं है। उसके विरोध में 56C, 56D और 49MA ये रूल बनाए और ये रूल नागरिकों के पार्टी के कैंडिडेट के मौलिक अधिकारों के विरोध में है, इस आधार पर असंवैधानिक है और इसे मैंने अपना पर्चा निकालकर दस्तावेजी एविडेंस के आधार पर प्रूव किया है और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में दोबारा रिविजन पिटीशन दाखिल करवाया हमारे मित्र लोगों के द्वारा, ये दाखिल करवाया और मैं भी आने वाले समय में इसके बारे में कोर्ट में भी जाने का प्लान बना रहा हूं और देशव्यापी परिवर्तन यात्रा का भी इसके लिए मैं मुद्दा बना रहा हूं और जल्दी ही देशव्यापी परिवर्तन यात्रा कैसे निकाली जाए इस पर भी मैं प्लान बना रहा हूं। मगर मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि ये बातें हैं जिसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। पहला मुद्दा तो पर्यावरण की चिंता करने की जरूरत नहीं थी चुनाव आयोग को, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लगाई गई है, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो दूसरे की जिम्मेदारी ले रहे हो, पहला। दूसरा कारण उन्होंने क्या बताया कि क्यों नहीं हम ऐसा कर रहे, तो दूसरा कारण उन्होंने बताया कि ये जो इसके लिए ऐसा करने से रिजल्ट आने के लिए ज्यादा समय लगेगा, 5-6 दिन, हाँ 5-6 दिन लगेंगे। तो संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग की जिम्मेदारी
फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने की लगाई है, जल्दी रिजल्ट लगाने की जिम्मेदारी नहीं लगाई है। मगर चुनाव आयोग जल्दी रिजल्ट लगाने के बारे में चिंतित है, उसकी जिम्मेदारी जल्दी रिजल्ट लगाने के लिए संविधान निर्माताओं ने नहीं लगाई। एक बात। दूसरी बात, जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग को संविधान निर्माताओं ने नहीं लगाई, वो काम ये अपने ले रहे, अपने से ले रहे। तीसरी बात कि जल्दी रिजल्ट लगाना फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट में आता है, नहीं आता है। ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव में जल्दी रिजल्ट लगाना शामिल नहीं है। चौथी बात, चुनाव आयोग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का बलि देकर जल्दी रिजल्ट लगा रहा है। संविधान निर्माताओं ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए उनको अधिकार दिए, अथॉरिटी दी, मगर चुनाव आयोग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उसका बलि देकर उन सिद्धांतों का हत्या करके जल्दी रिजल्ट लगा रहा है, जो संविधान निर्माताओं ने उसको अधिकार दिए नहीं दिया हुआ है। उसको इस बात के लिए चिंता होनी चाहिए थी कि मुझे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करना है, ये काम कर नहीं रहा है, उसको जल्दी रिजल्ट लगाने की जल्दी है, और वो भी सबसे भयंकर काम करते हुए, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का बलि देकर। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और के विरोध में जाके काम कर रहा है, इसलिए चुनाव आयोग खुद ही घोटाले से चुनाव कंडक्ट करवा रहा है। और इवन अभी तो यह जानकारी मिली कि चुनाव कमिश्नर जो तीन है उसमें से एक चुनाव कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन लवासा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो निर्णय है उन निर्णयों से सहमत नहीं। वो भी एक नया विवाद जो है वो भी सामने आया है। वो विवाद भी इस बात को सिद्ध करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का व्यवहार फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के लिए अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। बल्कि उनके मीडिया ने उन्होंने चिट्ठी लिखकर बताया कि मेरा जो मत है वो दर्ज नहीं कराया जा रहा। मतलब लवासा जी का ये कहना है कि जो इलेक्शन कमिश्नरों की मीटिंग निर्णय लेने के लिए हुई उसमें कंसेंसस से निर्णय नहीं है, सभी लोग इससे सहमत नहीं है, और जो असहमति के मुद्दे हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने मिनट्स में नोट नहीं किए हैं। यदि उन्होंने उसको नोट किए होते, रिकॉर्ड में लाए होते, तो वो रिकॉर्ड में लाना जब सुप्रीम कोर्ट में यह संभव है, सुप्रीम कोर्ट के जज अपना डिसेंटिंग जजमेंट अलग लिखते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नोंद में ये क्यों नहीं होना चाहिए? ये सारा का सारा व्यवहार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का संदिग्ध है। ये सारा व्यवहार ये सिद्ध करता है कि जिस मुख्य जिम्मेदारी के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों को जिम्मेदारी लगाई गई है वो ये जिम्मेदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इन आधारों पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव 19 का चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये बात जो एग्जिट पोल दिखाने वाले जो मीडिया के लोग हैं उनको मालूम है, उनको मालूम होने की वजह से उन पर पर्दा डालने के लिए सारा खेल हो रहा है। यानी पहले से ही मानसिकता बनाई जाए ताकि लोग रिजल्ट आए, योजना बनाकर, षड्यंत्र है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, एक षड्यंत्र है। ये जो एग्जिट पोल दिखाया गया ये एग्जिट पोल एक षड्यंत्र है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बीजेपी के फेवर में दिखाया गया जी, इसलिए नहीं कह रहा हूं। मेरे पास जो ईवीएम मशीन का जो कमियां खामियां कमजोरियां है उसके आधार पर जो अभी मैंने बताया जी बिल्कुल उसके आधार पर बताया, और उसका जो उपाय सुप्रीम कोर्ट ने बताया था पेपर ट्रेल मशीन का, इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैनुअल काउंटिंग होना चाहिए, उस पर चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाई। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि चुनाव आयोग घोटाले में जा मिले।
अगर एक ईवीएम मशीन को एक चोर मारा जाए और अगर चुनाव आयोग ने 13 लाख मशीन लगाई तो 13 लाख चोरों को चुनाव आयोग ने वोट चोरने के काम पर लगाया, इसलिए चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, ऐसा भी मैं कहना चाहता हूं और मैं उनको चुनौती देता हूं इसके बदले में वो मेरे खिलाफ केस दायर करे, फिर मैं उसको देखूंगा। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने उनको आरटीआई में सवाल पूछे उसका जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने, मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया उसमें उन्होंने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, हमारे मित्र लोगों ने जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया उनका जो तिवारी नाम का वकील था वो वकील एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया ओपन कोर्ट में, और ओपन कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील ने यह कहा कि मैं होमवर्क करके नहीं आया हूं, चुनाव आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट में बोलते मैं होमवर्क करके नहीं आया हूं। तो क्या होमवर्क करके ना आने का चुनाव आयोग ने उसको पैसा दिया था? इसके लिए उसको वकील रखा था? उस वकील ने होमवर्क करके नहीं आया ऐसा जब कहा ओपन कोर्ट में, हमारे वकीलों के सामने ये बात कही, तब चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग कहेंगे कि चुनाव आयोग के पास नॉनसेंस लोग है, वकील नहीं है। उसके आधार पर चीफ जस्टिस ने ऑर्डर इश्यू किया कि अगले हियरिंग में चुनाव आयोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट में भेजे जो यहां उपस्थित होने वाले सवालों के जवाब दे। और 2 अप्रैल को सुनील अरोरा आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उधर आए थे, और सारे देश के अखबार वालों ने इस खबर को कहीं पर भी नहीं दिखाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हाजिर होने का आदेश कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया मगर किसी अखबार में कोई खबर नहीं छापी, फ्रंट पेज की खबर होनी चाहिए थी। वो रिटर्न ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के जज का हमारे पास में, ये सारी बातें बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत संदिग्ध है। तो चुनाव आयोग ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, पहले भी नहीं दिया, अभी हमारे मित्र लोगों ने जो केस दायर किया है उसमें भी नहीं दिया, और हमने जो सवाल उठाए उन सवालों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं किया। जो सवाल हमने उठाए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना चाहिए था कि यह सवाल गलत है, और भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। उन्होंने केवल इट्सेल्फ कंटिन्यू, ये रूल जो है 50C ये कंटिन्यू रहेगा, हमने कहा यह रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देना चाहिए था कि यह रूल कॉन्स्टिट्यूशनल है इसलिए इसको कंटिन्यू किया जाता है, ऐसा भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। इसके आधार पर हमने रिवीजन दाखिल किया और रिवीजन सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया, एडमिट करते हुए 4 जून की हियरिंग रखा। अभी 4 जून को, 4 जून को हमारा दोबारा हियरिंग होगा। तो अभी आपने ये 56C तो ये सारी बातें इस बात को सिद्ध करती है कि जो एग्जिट पोल वाले जो लोग हैं, ये एग्जिट पोल वाले लोग ईवीएम में घोटाला जो होने वाला है या हुआ है, जो ऑलरेडी मशीन के अंदर वो हो चुका है, उस घोटाले पर पर्दा डालने के लिए ये एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। 2004 और 2009 में ईवीएम मशीन का कांग्रेस को फायदा हुआ था, 2014 और 2019 में बीजेपी को फायदा हो सकता है, तो मैं किसी पक्ष का साथ सहयोग देते हुए ये बात नहीं कह रहा हूं। मेरा थ्रस्ट ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो केवल एक तरीके से हो सकता है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट अगर कोई कैंडिडेट
पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, अगर चुनाव आयोग वो कागजी मतपत्रों की गिनती करने के लिए एप्लीकेशन करते ही अगर राजी हो जाता है तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल। ये एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो इसकी विश्वसनीयता पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि मैं ये सारी बातें इसमें बोल चुका हूं कि एग्जिट पोल एक बड़े षड्यंत्र पर पर्दा डालने के लिए किए जा रहे हैं। ये षड्यंत्र जो ईवीएम मशीन में घोटाला होने वाला है, 23 तारीख को जाहिर होने वाला है, उसके लिए जनता से विद्रोह ना हो, इसके लिए हो रहा है। इसलिए मैं 21 पार्टी के लोग जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 50% पेपर ट्रेल मशीन से मिलान करने की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। एक बूथ की मिलान करने की बात चुनाव आयोग कर रहा था, उसके बजाय सुप्रीम कोर्ट ने एक विधानसभा में 5 जगह करने की बात को स्वीकार किया। ये 2% भी नहीं होता है। उन्होंने 50% की मांग किया था, ये 2% भी नहीं होता है, या हो सकता है 1% भी ना हो, क्योंकि 1% के लिए कितना होना चाहिए, मान लो 3000 बूथ है तो 3000 बूथ में 3000 बूथ में अगर 30 बूथ का होता है तो 1% होगा, तो अभी 1% ही लगभग हो रहा है, 1% ज्यादा नहीं हो रहा है। तो 1% से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाने के लिए जो सबूत मिलने की बात पर्याप्त होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का भी जो रवैया है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को खुद पहल करना चाहिए फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के लिए, उनका खुद का आदेश है 8 अक्टूबर 2013 का, खुद का आदेश है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हैरानी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर अपने ही आदेश पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है तो भारत के मतदाता उनके ऊपर विश्वास क्यों करेंगे भविष्य में, अगर वो अपने ही आदेश पर अमल नहीं करती है तो। वो तो सारे एविडेंस दे दिए गए, ये 56C, 56D और 49A में ये रूल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल ना करने के लिए बनाए गए, जबकि चुनाव आयोग के पास अमल करने के लिए रूल बनानी चाहिए थी, इतने ही अधिकार है, उन्होंने ना अमल करने के लिए रूल बनाए। हैरान करने वाली बात है। और ऐसा करके चुनाव आयोग ने लिखित रूप से 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, कंटेम्प्ट किया, और अगर ऐसा किया तो सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अलग से क्या चलनी चाहिए, चुनाव आयोग के ऊपर ऐसा करना चाहिए था। अगर ये रूल पेपर ट्रेल मशीन लगाने के पहले बनाए हो या अगर ये रूल बाद में बनाए हो, दोनों स्थितियों में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संवैधानिक नहीं है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं और संविधान के आर्टिकल 13 में ऐसे रूल बनाने के लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को और राज्य की शक्ति निहित ऐसे किसी संस्था को ऐसे रूल बनाने के अधिकार से वंचित किया। ये बाकायदा संविधान में लिखा हुआ है और जो 4 पेज का पर्चा मैंने लिखा उसमें बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर इसे मैंने सिद्ध किया है। तो ये मेरा कहना है कि एग्जिट पोल के जो रिजल्ट है ये ईवीएम के घोटाले पर पर्दा डालने के लिए ये एग्जिट पोल है। जी बिल्कुल। ये जहां पर पांच, हर विधानसभा में 5 बूथ पर रिकाउंटिंग करने की जो वीवीपीएटी के पर्चे गिनने की जो बात कही है उसमें अगर डिफरेंस आता है ईवीएम और वीवीपीएट में तो उस स्थिति में चुनाव आयोग क्या करेगा, ऐसा कुछ लिखित इसके बारे में कांग्रेस का एक डेलीगेशन अभिषेक मनु संघवी के नेतृत्व में चुनाव आयोग को जाकर मिला, ऐसी एक खबर हमने पढ़ी। और उनका यह मान था कि ये 5 बूथ में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है ईवीएम के रिजल्ट में और पेपर ट्रेल के रिजल्ट में,
तो इस चुनाव के रिजल्ट का क्या होगा? क्या ऐसे स्थिति में ये रिजल्ट असंवैधानिक घोषित हो जाएंगे, दोबारा चुनाव होगा, या वो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा? इसके बारे में चुनाव आयोग ने किसी प्रकार के कोई रूल नहीं बनाए हैं। ऐसा ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, 21 पार्टी के केस के लॉयर जो है, उन्होंने ये अखबारों में ये बात कही है। तो मैं भी ऐसा मानता हूं कि ये स्वाभाविक बात है। और अगर मान लो उनमें गड़बड़ी पाई जाती है, गड़बड़ी पाए जाने के बावजूद भी अगर चुनाव आयोग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर ये नौटंकी करने की जरूरत क्या है? ये तो फिर नौटंकी होगी, तो तमाशा होगा। ये तमाशा करने की क्या जरूरत है? आपने जो ये एक बड़ी वजह है कि इस वजह से 23 तारीख को रात में हमने भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। मैं उसी मुद्दे पर सवाल पूछना चाहता हूं कि 30 अप्रैल को आपने कमिश्नरी लेवल पर जेल भरो आंदोलन किया, उसके बाद उसी में ही रूल जलाने का भी काम हुआ, और ये जो रूल जलाने का जो आंदोलन है वो अभी जिले में, तहसील में, यहां तक कि गांव स्तर पर भी जा पहुंचा है। तो आगे आपके आंदोलन की क्या भूमिका है? जैसे आपने कहा कि 23 तारीख को भारत बंद होगा, तो 23 तारीख को भारत बंद की हमारी पूर्व निर्धारित योजना है। इसके लिए सारे देश के तमाम कार्यकर्ताओं को, संगठन के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया जाता है कि वो भारत बंद के लिए आज से ही तैयारी करने का काम करे, व्यक्तिगत जनसंपर्क करने का काम करे, ग्रुप मीटिंग लेकर काम करे, और सोशल मीडिया का उपयोग करे, और अपने अपने इलाके में अखबारों को लिखित रूप से बयान दे, और लाउडस्पीकर के द्वारा, ऑटो रिक्शा के द्वारा, और वॉल पोस्टरिंग के द्वारा, फ्लेक्स प्रिंटिंग के द्वारा, जो भी पॉसिबल है पब्लिसिटी हम कर सकते हैं। बंद से ज्यादा बड़ा काम है पब्लिसिटी, इन मुद्दों का प्रचार किया जाए कि 56C, 56D और 49A में ये जो रूल है, इसकी वजह से ईवीएम में घोटाला करना संभव है, अन्यथा 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रभावी हो गया होता। जी बिल्कुल। तो धन्यवाद मिश्रम जी हमसे बात करने के। लगभग हमने सभी चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर आपकी राय जानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही कि एग्जिट पोल जो है वो एक षड्यंत्र के तहत किए जा रहे हैं, और साथ में ही ये जो संविधान विरोधी, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं, ये मीडिया वाले लोग हैं। जी बिल्कुल, ये वही मीडिया वाले लोग हैं जिन्होंने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको नहीं छापा, उसको आज तक नहीं छापा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आज तक नहीं छापा, आगे छापेंगे इसकी कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल। तो फिर एक बार आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए MNTV। आप सभी का धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें।